आज हम बिहार के भोजपुर जिला में बखोरापुर जा रहे हैं बाइक से, और पहले की अपेक्षा बिहार की सड़कें सुधर गई हैं। ज़्यादा गड्ढे उड्ढे नहीं हैं, बढ़िया रास्ता इस नई सरकार ने बना दिया है। ये हम बाइक से बखोरापुर मंदिर माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं। ये देखिए, जो सड़क के किनारे फसल लगे हुए हैं, इस फसल में सरसों लगा हुआ है और रहर लगा हुआ है। देखिए, ये सरसों का फूल नज़र आ रहा है, पीला पीला, बहुत ही मनमोहक सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। ये हम बाइक से जाते हुए और बाइक पर बैठकर ये वीडियो शूट कर रहे हैं। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हरियाली ही नज़र आएगी आपको। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, सरसों के फूलों को पीले रंग का, ये देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और सरसों के खेत में फूलों की लालिमा। ये देखिए, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक फसल ही फसल नज़र आ रहा है। ये सड़क के रास्ते हुए हम बखोरापुर मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा रास्ता ख़राब था तो गाड़ी को धीरे किया गया है। ये देखिए, बस अब हम अच्छे सड़क पर आ गए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए, खेतों में हरियाली छाई हुई है। ये शायद मेरे ख्याल से सरसों या रहर लगा हुआ है यहाँ पर, सरसों है मेरे ख्याल से, नहीं नहीं ये टमाटर लगा हुआ है यहाँ पर, सरसों के साथ टमाटर का भी खेती हो रहा है यहाँ पर। बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। सड़कें तो पहले की अपेक्षा बहुत सुधर गई हैं। ये हम जाते हुए सड़क मार्ग से बखोरापुर माता रानी का दर्शन करने लिए। ये देखिए, दूर तक सिर्फ सरसों ही सरसों नज़र आ रहा है। जिधर नज़र घुमा उधर ही सरसों लगा हुआ है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर मनमोहक नज़ारा है। ये जाते हुए ठंड काफ़ी है, थोड़ा हमको गाड़ी धीरे चलाना पड़ रहा है। ये जाते हुए हम दो भाई, बहुत ही सुंदर और बढ़िया लग रहा है, लेकिन ठंड ज़्यादा होने की वजह से हम गाड़ी को तेज़ गति से चला नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे ही जा पा रहे हैं। हाथ पूरा ठंडा के मारे अकड़ गया है। ये देखिए, ये सड़क मार्ग से जाते हुए मंदिर की ओर हम बस थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, चारों तरफ खेत ही खेत है और खेत के अंदर फसलें लगी हुई हैं। थोड़ा सा धूप अब नज़र आ रहा है। ये देखिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मैं जिधर भी अपने कैमरों को घुमा रहा हूँ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रहा है। ये देखो भैया, सरसों का खेत काफ़ी दूरी तक लगाया गया है सरसों इस खेत में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ज़रूर आप
एक बार बिहार घूमने जाइए ठंड के मौसम में। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है, सड़कें भी सुधर गई हैं। ये देखिए सरस्वती पूजा का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। ये भी ठंड के मौसम में ही सरस्वती का पूजा यहाँ रखा जाता है, जो कि इस पूजा को बहुत ही बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है भोजपुर में और पूरे बिहार में। ये मैं पंडाल के सामने जाता हुआ और बच्चे यहाँ पर माता रानी की पूजा करते हुए माता सरस्वती की पूजा। ये देखिए बच्चों ने यहाँ पर अगरबत्ती और दिया जलाकर माता रानी का आरती और पूजा कर रहे हैं। ये पूजा आरंभ हो गया, बच्चे देखिए अगरबत्ती को जलाते हुए। ये अब देखिए अगरबत्ती जल गया है, अब माता रानी को अगरबत्ती दिखाया जा रहा है। ये है बखोरापुर का मंदिर, बखोरापुर वाली माता रानी। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये मैं धीरे धीरे जाता हुआ मंदिर के समीप, ये मंदिर के हम अंदर आ गए हैं बखोरापुर। ये देखिए लिखा है जय माँ काली बखोरापुर वाली। ये देखिए इस बच्चे को भी माता रानी का दर्शन करने आया हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर को सजाया और बनाया गया है। ये देखिए चारों तरफ मंदिर के फर्श पर मार्बल का काम किया हुआ है। ये मंदिर को मैं चारों तरफ से दिखाता हुआ, ये देखिए मंदिर का ये भव्य दरबार, मंदिर को चारों तरफ से दिखाता हुआ मैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा मंदिर का भी है। ये मंदिर के यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से बखोरापुर वाली माता का दर्शन करने आते हैं, और कहा जाता है बखोरापुर वाली माता के पास जो भी मन्नत मांगने आता है उसकी मन्नत पूरी करती है माता रानी। बहुत दूर दूर से, विदेश से, भारत के हर एक एक कोने से माता रानी बखोरापुर वाली का दर्शन करने यहाँ पर लोग आते हैं। मैं ये दूसरी बार गया हूँ बखोरापुर वाली माता रानी का दर्शन करने। इससे पहले एक बार गया था तो मैं माता रानी का दर्शन नहीं कर पाया था, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। ये पहले का मैं वीडियो रखा हुआ था मोबाइल में, इस वीडियो को के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी बिहार जाएं आप एक बार ज़रूर बखोरापुर वाली माता का दर्शन करने ज़रूर जाएं। इस मंदिर की एक मन्नत है कि जो भी यहां मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। ये मंदिर के बाहर का चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हुआ मैं। ये देखिए यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है, जो भक्त लाइन से माता रानी का दर्शन जाकर कर सकें। ये देखिए मैं दिखाता हुआ आपको, मंदिर साइट के अपोजिट मतलब सामने का एरिया के वो मैं दिखा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, शिकायत पुस्तिका पूछताछ, मंदिर का ऐतिहासिक पुस्तक। इस मंदिर के बारे में
यहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर सोदार पौधे, गमले उमले भी लगाए हुए हैं मंदिर के सामने। छोटा सा गार्डनिंग का काम भी किया हुआ है। ये मंदिर से बाहर निकलते हुए, मंदिर के बाहर निकलने पर छोटे छोटे दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें माता रानी का लॉकेट, कड़ा, बहुत सारे पूजा सामग्री के सामान आपको मिल जाएंगे। बच्चों के खिलौने भी यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर महिला पुरुष को जाने के लिए अलग अलग रास्ता बना हुआ है। ये बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें भी लगी हुई हैं मंदिर के समीप। ये मंदिर का पीछे का छोटा एक शंकर जी का मंदिर है, उसको भी मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। ये देखिए मंदिर की ओर में बढ़ता हुआ, ये भी मंदिर का नज़ारा अपने आप में एक अलौकिक रूप रखता है। तो खोलना पड़ेगा यहाँ पर यार। ये मंदिर के अंदर में जाता हुआ, ये देखिए इस प्रांगण में पानी भरा हुआ है। ये शायद बरसात का पानी यहाँ पर भर गया है, इसका निकासी का कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, शायद इसी कारण यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लेकिन अवधूत के बारे में ना प्रकार का यह मंदिर है। इसमें भी शंकर जी विराजमान हैं। ये मैं अंदर जाता हुआ, ये देखिए यहाँ पर भी अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। आजू बाजू बैरिकेड लगे हैं कि कोई पानी में ना जा गिरे। ये मंदिर के अंदर हम अब आ गए हैं। ये देखिए मैं आपको कैमरे से दिखाता हुआ, ये मंदिर के अंदर अपन अब आ चुके हैं। ये देखिए साईं जी का मंदिर है यहाँ पर भी। ये मंदिर के अंदर हम आ गए हैं बिल्कुल, सीढ़ी से मैं चढ़ता हुआ, ये मैं चढ़ गया हूँ सीढ़ी से मंदिर में। अपने आप में ये बखूरापुर वाली माता रानी का अलग ही एक विशेष स्थान है। ये देखिए शंकर जी का शिवलिंग का पूजा करते हुए महाराज जी। ये देखिए यहाँ पर बजरंग बली का कुछ रैली निकला हुआ है। रामनवमी का मुझे रैली है। ये बच्चे डीजे के साथ डांस करते हुए जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। ये है देखो भक्तों की भक्ति लीला, जो बजरंग बली के भक्ति में लीन हैं, झूमते हुए नाचते हुए बजरंग बली का झंडा लिए हुए जय जय श्री राम बोलते हुए नाचते झूमते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलो।